up to approach the Is he not even coming कौन से क्वेश्चन से करवाऊं फोर्थ से जैसे डिमांड तो किसी और ही चीज की थी ये कहता है कि a माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस a प्लस b दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस ये आपको प्रूव करना है शो करना है बच्चों तो हम बहुत ही इजीली इसको प्रूव कर देंगे कैसे प्रूव कर देंगे बताओ कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है प्लस ए क्रॉस बी फिर इस बी को मल्टीप्लाई करोगे आगे वाले ब्रैकेट के साथ माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी और बच्चों पिछली क्लास में हमने सीखा था किसी वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस दिस इज व्हाट ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस दिस इज व्हाट बी क्रॉस ए को आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस बी बच्चों क्या होता है जीरो होता है This is what A cross B minus minus this is what A cross B ठीक है This is twice of A cross B right बच्चों यही आपको प्रूव करना था Nice question युवराज भाई सर एक सेकंड पीछे करो दांत क्यों दिए हो गया सर चलो ये कहता है ये कर लिया हमने अगले क्वेश्चन में ये बच्चों क्या दिया हुआ है 2i plus 6j plus 27 की एक वेक्टर दिया है कौन सा क्वेश्चन है फिफ्थ 2i plus 6j plus 6j plus बोलना क्या है ट्वेंटी सेवन के क्रॉस क्या दिया हुआ है i cap plus lambda j cap बेटे तू बोलना रहने दे तू बोले कैसा कहेंगे मैंने बोल दिया फिर मैं नहीं लिख रही काम बुलवा लो या लिखवा लो देखो दोनों काम नहीं करूंगी मैं 2i plus 6j plus 27 के क्रॉस दिस एंड बच्चों ये जीरो के इक्वल दिया हुआ है ठीक है हाँ बिल्कुल बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और वेक्टर किस में कंपोनेंट फॉर्म में अभी कैसे गर्दन लटका के आ रहा है सब ठीक ठाक ओके 2i plus 6j plus 27 के क्रॉस i plus lambda j plus mu k is equal to 0 दो वेक्टर दिए बच्चों इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे कंपोनेंट फॉर्म में जब वेक्टर दिए हो तो कैसे फाइंड करते हैं i j k ये हो गया 2 6 27 और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर 1 है ना कुछ भी नहीं है तो यहां 1 है 1 lambda mu this is equal to what this is equal to 0 got it ठीक है बच्चों जल्दी से इसको ओपन कर दोगे ओपन करो ओपन ये स्टार्टेड है ना करो जरा क्या आएगा रिया बताएगी रिया एरिया बताओ I into 6 mu minus this into this minus this 6 mu minus 27 lambda रिया ठीक है बिल्कुल माइनस बीच वाले के लिए क्या होगा जी 2 mu minus 27 डोलमा आप बताओ आगे क्या आएगा सर आगे 2 lambda minus 6 के कौन लिखेगा भाई दीदी के कौन लिखेगा 2 lambda minus 2 lambda minus 6 and that is equal to 0 right बच्चों
देखो बच्चों आई थिंक कोई खास सिंप्लीफाई होने वाली टर्म है नहीं, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड बच्चों एक बात सुनो, जब कभी भी दो कोई वेक्टर जीरो के इक्वल है, इंडिविजुअली उसके जो आई के जे के कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कितना आ गया, 27 by 2 mu। जब कोई वेक्टर जीरो के इक्वल होता है तो उसके जो आई जे के कंपोनेंट होते हैं वो सारे किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल। यहाँ पर आई का कंपोनेंट कितना है, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू जीरो। 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। बच्चों लास्ट वाले से आप देख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा कितना आ रहा है लास्ट वाले से, लैम्डा आपका आ रहा है 3। देखो साथ साथ निकालो, ठीक है। लास्ट वाले से आपका लैम्डा आ रहा है 3। सेकेंड वाले से आपका म्यू कितना आ रहा है, 27/2। सेकेंड वाले से म्यू आपने आई होप की निकाल लिया होगा। अब ये दोनों जो आए हैं आपको फर्स्ट में डाल के देखो, सेटिस्फाई कर रहे हैं, फर्स्ट में डाल के देखो, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 6 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी आई है 3। नहीं म्यू की वैल्यू तो कुछ और थी, 27/2 डालो जल्दी से, माइनस 27 इंटू 27/2 अच्छा लैम्डा 3, तो ये कितना आ गया अभी 3। तो ये भी एक्टिव वैल्यूज निकालनी है, माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई होना चाहिए उन वैल्यूज के लिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो दीज आर द वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा, ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू होगी, पर वो आपको चेक करके देखना है। ऑल राइट बच्चों चलते हैं आगे, हमेशा करेंगे या फिर कोई उसके बाद हमेशा चेक करना पड़ेगा, नहीं अगर नहीं हुई तो फिर हम कहेंगे कि नॉट सच वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा एग्जिस्ट। इस वेक्टर को जीरो बना पाए ऐसी लैम्डा और म्यू की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये कहता है, बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, अक्सर लोग समझते नहीं है और बाद में कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। ये कहता है बच्चों a dot b is equal to zero, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 6, a dot b is equal to zero, a dot b is equal to zero and a cross b is equal to zero, perpendicular होंगे, a cross b is equal to zero, a dot b zero है, a cross b zero है, देख रहे हो दोनों zero होने जरूरी है, और ऐसा हो नहीं सकता किसी भी angle पे, बच्चों इसको जीरो होने से तीन के सराइजेस होते हैं, कौन कौन से, आइदर ए मॉड ऑफ ए कैन बी जीरो, मॉड ऑफ ए जीरो हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी है, मॉड ऑफ बी कैन बी जीरो, थीटा पाई बाय 2, और तीसरा केस क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं जिससे ए डॉट बी जीरो हो सकता है, ठीक है रिया। एरिया नेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, डोरमा दीदी ए क्रॉस बी की डेफिनेशन बताओ, डोरमा दीदी ए क्रॉस बी की डेफिनेशन बताओ, मॉड ऑफ ए साइन मॉड ऑफ बी साइन इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ओह नो इनटू एन कैप, एन कैप इनटू एन कैप दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर भी तीन पॉसिबिलिटी अराइज होती है, कौन-कौन सी, मॉड ऑफ ए कैन बी 0, मॉड ऑफ बी कैन बी 0, थीटा 0, थीटा कैन बी 0 डिग्री, क्योंकि n कैप तो यूनिट वेक्टर होता है जिसका मॉडुलस 1 होता है, वो तो 0 होगा नहीं, है ना। तो बच्चों दोनों के 0 होने के लिए कॉमन पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि अगर ये 0 पाई बाय 2 होगा तो ये वाला a डॉट b तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी, अच्छा 0 अगर थीटा 0 हुआ
तो a क्रॉस b जीरो हो जाएगा, लेकिन a डॉट b जीरो नहीं होगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो इधर से और इधर से हो नहीं सकती। जो कॉमन पॉसिबिलिटी है वो क्या है, आइदर a कैन बी जीरो और b कैन बी जीरो। दिस इंप्लाइज आइदर मॉड ऑफ आइदर मॉड ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, मॉड लगा लो फिर, नहीं तो सी एन आर आ जाएगी। आइदर मॉड ऑफ a कैन बी जीरो और मॉड ऑफ b कैन बी जीरो। बट बच्चों दिस इंप्लाइज आइदर मॉड a जीरो, मॉड a जीरो मीन्स इंप्लाइज आइदर आइदर a वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तभी तो मॉड a जीरो होगा, और मॉड b कैन और b वेक्टर कैन बी जीरो। तो इन दोनों के जीरो होने की पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, या तो a वेक्टर जीरो है या फिर b वेक्टर जीरो है। समझ आया, गॉट माय पॉइंट बच्चों? कौन सा ने मना किया? अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। इट वॉज नॉट ए रिक्वेस्ट, इट वॉज एन ऑर्डर। सो भाई कुछ बताना तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट द वेक्टर ए बी सी बी दिस, लिखो अभी फटाफट बताओ। ए वेक्टर क्या है, डोलमा को छोड़ के कोई बता दो। क्या है सी वन आई कैप सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, वी हैव थ्री वेक्टर्स। And bachcho, to show that, nahin, to show nahin bachcho, show that A cross B plus C is equal to this. Aapko kya prove karna hai? Kya show karna hai? A, bolna hai par? A cross B vector plus C vector is equal to A cross B plus A cross C. Is equal to A cross B plus A cross C. Plus A cross C. Ye aapko prove karna hai. Dekho bachcho, bahut hi umda question hai. Behtareen padhai ji. Akash, kaise ho? आकाश भैया देखो बच्चों, इफ यू डोंट माइंड बच्चों, पहले तो एलएचएस फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा ये? दिस इज व्हाट ए ए वेक्टर तो ये है। ए वेक्टर क्या है, ए आई कैप बी जे कैप प्लस पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करो। देखो बच्चों डायरेक्टली कर देते हैं, ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप दिस, ठीक है? या मैं करके दिखाऊं पहले बी प्लस सी, सर जी लोड भी कर लेंगे वो तो, ठीक है? बी प्लस सी क्या आएगा, बी प्लस सी क्या आएगा बच्चों? बी वन प्लस सी वन आई कैप बी वन प्लस सी वन आई कैप प्लस, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट था बीच में, ठीक है? यहाँ पर बीच में क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्या आएगा भाई, ए ए टू नहीं बी वन, बी वन प्लस सी वन आई कैप बी टू प्लस सी टू, आकाश रुक जा भाई आकर कार्ड में बहुत गलत सामने से हो गया, बी थ्री प्लस तो काट दे, तो काट दे, मैं अगर सही आ गया तो मेरे काट दे। देखो भाई बच्चों, एक तो तरीका ये है कि आप इस पूरे को ओपन कर दो, ठीक है? जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है वो तो बिल्कुल नहीं गया। अच्छा वैसे तो हाँ, ये तो ओपन कर ही नहीं, बीच में क्रॉस लगा हुआ है बच्चों। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो रिया बताएगी हम कैसे फाइंड करते हैं। रिया दीदी आई जे के डिटरमिनेंट, मैंने सिया दीदी से तो बिल्कुल नहीं पूछा सर, वो नाम कहने के सर आप मेरे को भी रिया बोल देते हो। यस, जब मैं तेरे को बोलूं और रिया बोल दूं तो आप बोल दिया, ठीक है? चलो देखो आई जे जे के आई जे के आई जे के बच्चों ए वन ए टू ए थ्री एंड बच्चों दिस इज व्हाट, डोलमा दीदी
ये कहाँ पर आएंगे, सेकंड रो में क्या आएगा, बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू एंड बी थ्री प्लस अर्णव भैया बच्चे जो आपने नहीं पढ़ी वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो आपने नहीं पढ़ी वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट का अगर कोई रो या कोई कॉलम अगर डिटरमिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम दो एलिमेंट के सम से लिखा हुआ है तो आप इसको दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो। पता है सॉरी तो कराई थी ठीक है बच्चों। ऐसे आप दो डिटरमिनेंट इसके बना सकते हो। ये तो थर्ड रो में जो एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट तो एक डिटरमिनेंट में चला जाएगा एक्स वाई जेड, और जो दूसरे एलिमेंट है ना वो दूसरे डिटरमिनेंट में चले जाएंगे, ठीक है। बाकी दोनों रो ऐसे रहेंगे। सेम चीज अगर हम अपने डिटरमिनेंट पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री। चलो भाई सिया दीदी रिया दीदी बताएंगी। रिया दीदी बताओ, रिया दीदी सिया दीदी बताओ, रिया दीदी बताएंगी। नहीं नहीं आप बताओ क्या आएगा यहाँ पर, B1, B2 और B3। B1, B2, B3 एंड डॉलमा दीदी अगले वाले डिटरमिनेंट आप बताओ, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। दो डिटरमिनेंट होंगे। बच्चे एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर देखो, कहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो आपका डिटरमिनेंट क्या बनेगा। जी भैया आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो आपका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, क्या अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो आपका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी और बी टू बी थ्री बनेगा। आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए क्रॉस बी प्लस में ये क्या है, ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री, दिस इज लाइक ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो बच्चों ये आ गया, हो गया आपका ए क्रॉस बी प्लस सी। समझ आया, बोलो आया कि नहीं आया, गुड मोदी जी तरह बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो आगे, सर आपने एक क्रॉस सी बोला, बी लिखा है सिर्फ, आप बी होता है काम पर, यहाँ एक क्रॉस सी आएगा यार, फोन ये ध्यान चाहेंगे सर, ये नहीं उधर वाले सेकंड वाले एक क्रॉस गॉट इट, यस लिख लिया बेटा, लिख लिया सभी ने, चलो आगे, यही तो प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए डेफिनेटली ए क्रॉस बी जीरो होगा, ए और बी में से अगर एक वेक्टर जीरो है तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई से क्रॉस प्रोडक्ट भी एक मल्टीप्लाई ही होता है, डॉट प्रोडक्ट भी एक मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और एक जीरो है और रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि जीरो से मल्टीप्लाई होकर कुछ भी जीरो ही आएगा, कुछ भी नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई होकर फाइनाइट चीज, जीरो इंटू फाइनाइट फाइनाइट, ठीक है, ये जीरो आएगा। ये नहीं है कि जीरो का मतलब यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया और जीरो आएगा, जीरो इंटू इन्फिनिटी का क्या है, आई डोंट नो, तुम्हें को बताने वाला बन जाए क्या होता है, नहीं इसके जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो नहीं होना,
नहीं, जीरो इंटू फाइनाइट चीज जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू फाइनाइट वो जो आपका समथिंग है ना दैट मस्ट बी फाइनाइट। चलो a is equal to 0, b is equal to 0, this implies a cross b is equal to 0, this is true. Obviously, a vector है, b vector दोनों में से कोई एक 0 है, तो इनका result क्या आएगा? 0 आएगा. But converse need not to be true. Converse कोई जरूरी नहीं है true होगा, converse need not to be true. Why? Because a cross b क्या होता है? A cross b is equal to mod a mod b into क्या होता है sin theta into n cap, and if theta is equal to 0 or theta is equal to 180, in this case the a cross b will be 0. A cross b is this, if theta is equal to 0, theta is equal to 0 or theta is equal to 180, यानी कि n pi, n pi तो क्या करोगे 180 मिल जाएगा, तो सब पैरेलल हो जाएंगे, हाँ पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, then a cross b, क्योंकि यहाँ जीरो बन जाएगा, इस जीरो से पूरी राइट हैंड साइड जीरो, यानी कि a cross b is equal to zero, ठीक है, right? Yes. Then a cross b will be zero, ठीक है? So a cross b can be zero if theta is equal to zero. Question क्या, आंसर क्या देना था हमें? आंसर क्वेश्चन में ये दिया था, if a is zero, b is zero, then a cross b, but converse need not to be true. तो आप क्या लिखोगे? Yes, converse need not to be true. यहाँ पर एक लाइन लिखोगे आप, yes. Converse need not to be true as this is this and if theta 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, this implies neither a is equal to 0, a 0 नहीं है, nor b is equal to 0, but a cross b क्या है 0 है, a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, still a cross b 0 है, राइट ए क्रॉस बी जीरो हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी जीरो होंगे, देखो ये रहा ए क्रॉस बी तो जीरो है बट ए और बी जीरो नहीं है, क्यों, इस केस में क्या था थीटा क्या था जीरो या वन, चलो आगे नेक्स्ट देखो एग्जांपल देना था, एग्जांपल ऐसे केस में दो कोलिनियर वेक्टर्स का दे दो, ए इज इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, कुछ भी लिख लो आप, बी उसका सम मल्टीपल लिख दो, फोर आई प्लस में टू जे प्लस में टू के, ठीक है, उसका मल्टीपल लिख दिया ना हमने, अब देखो ए क्रॉस बी फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी फाइंड करोगे तो क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा, एक वेक्टर हमने ए ले लिया दूसरा बी ले लिया, लेकिन जान पूछ के बी वेक्टर ऐसा लिया है कि वो ए का कुछ मल्टीपल हो, ए का मल्टीपल करके लेते हैं ना तो मतलब ये वेक्टर है ये कॉलिनियर हो जाएगा बी, जब ऐसे लेते हैं तो बी क्या होगा कॉलिनियर विद ए, ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर आप फाइंड कर रहे हो तो देखो ए क्रॉस बी कितना आया टू आई प्लस में जे प्लस में के, ठीक है, क्रॉस कितना फोर आई टू जे और टू के, बच्चों बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है ना, अब ध्यान से सुनो या इतना कुछ भी मत लिखो, चलो लिख दिया आप तो 2i प्लस में j प्लस में k, बच्चों इस वाले वेक्टर को क्या लिखोगे 2 इंटू 2i प्लस j प्लस k, राइट, इस 2 को बिगनिंग में लिख दो, क्या लिख दो a क्रॉस a 0, 2 को बिगनिंग में लिख दो तो ये क्या बन गया a क्रॉस, ये भी क्या बन गया a, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है कि नहीं होता है, yes. ठीक है, दिस इज 2 इंटू ए क्रॉस ए इज 0, देखो क्या आ गया ए क्रॉस बी 0 आ गया ना 0, तो ए क्या है ए वेक्टर 0 नहीं है, ठीक है, बी वेक्टर को आप देख सकते हो बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं है 0, क्यों नहीं है, कैसे पता ये 0 नहीं है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो वो 0 नहीं होता, ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल के देख सकते हो 0 नहीं आएगा तो ए 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल के देख सकते हो 0 नहीं आएगा तो बी भी क्या नहीं है, क्यों नहीं है ए भी 0, क्योंकि ए और बी के मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो ए एंड बी क्या होंगे 0 नहीं होंगे, ये भी भैया समझ आए, कौन से चला दो थोड़ी देर चला दो
काम करते हैं। सबसे लोएस्ट नंबर पे चला दो बटन। अभी वो यार कुछ दिन से ऐसे एकदम से कैसे हो गए किसी भी मिल कर कुछ खास खास कर लिए। चलो कहाँ थे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। क्या कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल? क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमें फाइंड करना है। और ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं? 1/2। सर इसको नॉर्मल पहन दो, क्लिक वाला मत दो। 1/2 2/3/5 इसे नींद आएगी। सी क्या है भाई? 155 कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़े से मजाक से ना चिढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने में जाते हैं। हमारे कहीं यहाँ ऐसी तो कोई बात नहीं, बच्चे हमारे बड़े अच्छे हैं। चलो क्या क्या प्रूव करना है भाई? एरिया निकालना है। एरिया बच्चों कल मैंने आपको सिखाया था, मैं परीक्षित को उधर सुला के आता हूँ और यहाँ आके तुम्हें बुलाता हूँ। पिछली बार गया तो मैं चाहता है कि इस आपको मुझे रखा, मैंने आपको इस बात बता दी। मैंने कहा जैसा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मोर इक्वल्स बी, मैंने कहा फिर कब मान ली सुना के आते तू ऐसे सोता नहीं सुनता रहता। अच्छी बात। और कोई सर बुला होता नहीं, कह रहा था कि मैंने आपको एक बात बता दी। अच्छा बच्चों क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कोई भी दो साइड ले लो, जैसे ये साइड ली आपने, ये साइड ली, तो जैसे मान लो ये साइड क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? हम हाफ ऑफ क्या निकाल सकते हैं? नींबू मिर्ची लेके आओ। चुप हो जाए, साथ ही बैठे हैं मेरे, यहीं से पढ़ लेंगे। ऐसे होता है भी बीए करो सीसी, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप क्या निकाल लो, पहले बीए वेक्टर निकाल लो। बीए वेक्टर जब कोई वेक्टर किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, दो पॉइंट्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है। तो वेक्टर कैसे निकालते हैं? a माइनस b, हाँ 1-2 माइनस आई कैप, हाँ माइनस 1-3 2j कैप, 2-5 -3j कैप। बी ए आ गया, bc क्या होगा बच्चों? 1-2 आई कैप, 5-3 माइनस प्लस का 2j कैप और 5-5 जीरो के कैप। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालोगे? मॉड ऑफ पहले बी ए क्रॉस ए सी निकालो। बी ए क्रॉस इस माने तो बी सी, बी ए क्रॉस बी सी निकालो। क्या आएगा बी ए क्रॉस बी सी? बी सी तो नहीं, ए बी सी कहीं और लिया होगा ना। कितना आया भाई? आई जे के -1-2-3 -1-2-0। चलो सिया दीदी बताओ। डिटरमिनेंट की लिखो अभी, बाकी लोग भी लिखो। किसी को पूछना है कैसे आया? देखो कुछ समझ नहीं आता, दो ही बातें हो सकती है, नहीं बोलने के दो ही कारण है। दूसरा वाला लग रहा है -3 जे का अपना मतलब। हाँ बोलो, दिस इनटू दिस सिक्स माइनस दिस इनटू दिस सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा, फिर आएगा -g। सर पुट्ठा नहीं कर दिया सर, जीरो के ऐसे होना था।
माइनस सिक्स प्लस जीरो, माइनस सिक्स आ जाता। माइनस सिक्स के बाद माइनस माइनस बॉर्डरिंग लाइट होता है। अभी तो उधर से कर रहे थे पहले, उल्टा किया। नहीं बच्चा नहीं, इसका ना थोड़ा सा सर सिक्स का थ्री का स्क्रू गिर गया बेचारी का। तो सिक्स आई का थ्री है ना भैया, पता है भैया? नहीं सर, नहीं स्क्रू नहीं गिरा, कुछ और गिर गया, ढीला हो गया होगा, ढीला हो गया होगा। एंड ऑल राइट, देखो बच्चों माइनस ऑफ माइनस टू माइनस टू माइनस टू और माइनस ऑफ प्लस, नहीं बेटे प्लस तो पहले ही हो जाएगा और एक बीच में माइनस होता है, तीन माइनस इकट्ठे हो जाएंगे। सिक्स आई सिक्स का प्लस थ्री का थ्री का कुछ नहीं कर रहा, माइनस प्लस हो जाएगा थ्री जी देवराज मारूंगा मैं, माइनस फोर का सर। इसका मोड भी निकालना बच्चों, हाँ इसका मोड क्या आ जाएगा सिया? इस वैल्यू को सीधे रिया वेक्टर का मोड कैसे निकलता है रिया? 61 से सबको स्क्वायर कर दो रूट कर 61 बी ए क्रॉस बी सी का मोड निकालो बच्चों। 36 अंडर रूट कर लो, तो मोड ऑफ दिस क्या आ जाएगा? मोड ऑफ दिस इज दिस, एरिया कितना हुआ इसको जोड़ो बच्चों, कितना हो गया रूट 61 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 by mod this value, half mod of BA cross BC, this is what half root 61 got it? चलो बच्चे जल्दी करो, पैरेललोग्राम आ गया। हो गया फिर बच्चे, ये सबका हो गया? मोड ऑफ ए एंड बी इनटू साइन थीटा कौन दे देता है? खुद फॉर्मली कौन सा क्या देता है? बच्चों एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दिस एंड दिस, पैरेललोग्राम का एरिया बच्चों जिसकी साइड्स दी हुई है हमें, ठीक है बच्चों? ए बी सी डी, ये साइड होगी मान लो ए और ये क्या हो गई बी। सर एक डाउट था, हां सर ये वेक्टर और बी वेक्टर है, ए चुप हो जा ऐसे नहीं पूछा। हाँ बोल, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई ए वेक्टर और बी वेक्टर है इस क्वेश्चन में, तो अगर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, हम ऐसे नहीं कर सकते ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड निकाल लिया और ए भी साइन थीटा का लिया। अच्छा क्या, अच्छा साइन थीटा लगे पर थीटा कहाँ से लाओगे? देखो जरा ये क्या दिया बच्चों, और वो लंबा होगा बेटे, मैंने भी वही कहा अगर मोड दिया हो तब लगाते हैं, पहले कॉस थीटा निकालता हूं, ये आई माइनस ए प्लस थ्री के, आई माइनस ए प्लस थ्री के, बी कितना दिया बच्चों डॉलमा आपको लिख लेना बस, गुड। ए दिस बी इज दिस, क्या फाइंड करना बच्चों? एरिया, तो ठीक है फिर एरिया क्या होगा, पहले हमें ए बी क्रॉस बी सी फाइंड करना पड़ेगा ना, दैट इज ए क्रॉस बी फाइंड करना हमें, है ना? निकालो क्या सिया बता, रिया बताएगी, चलो अर्णव बताएगा। आई माइनस आई जे और के, डॉलमा आगे क्या आएगा? वन माइनस वन थ्री, रिया आगे क्या आएगा? सर बोल रहा,
सर आई कैप माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन ब्रैकेट में आई कैप इनटू माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन माइनस जे इनटू वन माइनस सिक्स दोनों आप बताओ वन माइनस सिक्स के कैप माइनस सेवन प्लस के कैप इनटू माइनस सेवन प्लस टू माइनस सेवन प्लस टू हम क्या खा गया था और ये माइनस का फाइव के कैप क्या है अब इसका मॉडुलस निकालो भी मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस बी सी का मॉडुलस निकालो बच्चों मॉडुलस निकालो कितना आएगा कुछ कटेगा इसमें से हो सकता है हाँ हो सकता है ना पांच पांच तो यहाँ चार इंटू सौ और चार का पच्चीस या कितना आएगा सोलह सोलह प्लस वन प्लस वन अठारह अठारह का भी बन जाएगा ये सिक्सटीन का चार सौ को क्या लिख दिया वैल्यू मैंने सौ इंटू चार और चार सौ में से पच्चीस बार ले लिया पाँच तो यहाँ क्या बचा चार बचा ना फोर इंटू फोर सोलह हो गया बड़ा हाईटेक मेथड लगाया जेम्स में ये कितना हो गया भाई अठारह पंद्रह रूट टू आ जाएगा फाइव रूट एटीन एटीन को फिर से क्या करोगे डालमा नाइन इंटू थ्री तो तीन बार निकलेगा पंद्रह हो जाएगा पंद्रह रूट टू क्या आ गया मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डॉल्मा फार्मूला बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी यही होता है तो फिफ्टीन रूट स्क्वायर यूनिट्स ये क्या कहता है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट टू बाई थ्री ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर बच्चों ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है ठीक है ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा फाइंड करना है एक बताओ ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर कब होगा फॉर ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए या इफ ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ ए क्रॉस इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये यूनिट वेक्टर कब होगा वन इम्प्लाइज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा देखो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर कब होगा कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड वन हो तो ए क्रॉस बी को यूनिट वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए तो हमने रख दिया इसका मैग्नीट्यूड वन इसको ओपन कर लिया ये होता है ए क्रॉस बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप दैट इज इक्वल टू क्या बताओ रिया वन कल मैंने सिखाया था कि डबल टाइम किसी का मोड लेते हैं अच्छा एक बात एक्स इंटू वाई अगर मोड है बच्चों मल्टीप्लीकेशन पे मोड है तो मोड सेपरेट हो सकता है मल्टीप्लीकेशन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन पे मॉडुलस लगा है तो मॉडुलस सेपरेट हो सकता है ठीक है ये तीन स्केलर नंबर है और ये चौथा वेक्टर है इन सब पे मॉडुलस लगाए तो सबका इंडिविजुअल मॉडुलस भी हो सकता है मोड ऑफ वेक्टर ए का डबल टाइम मोड करोगे तो ए वेक्टर यही आएगा मोड ऑफ ए ही आएगा ठीक है मोड बी एक स्केलर नंबर है इसका दोबारा से मोड करोगे तो भी वही आएगा मोड बी ही आएगा एंड बच्चों साइन थीटा का मोड पॉजिटिव साइन थीटा ठीक है फिर साइन 30 डिग्री आएगा एंड एन कैप का मोड निकालोगे मोड ऑफ एन कैप क्या होता है वन होता है एन वेक्टर यूनिट वेक्टर है मोड ऑफ एन कैप क्या आएगा वन दिस इज इक्वल टू वन
मॉड ए की वैल्यू 3 है, मॉड बी की वैल्यू कितनी है, रूट 2/3 इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। अर्णव क्या कर रहा है? थीटा कितना, साइन थीटा कितना आया भाई, 1/√2, तो थीटा हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, फिर माइनस 2 कर लीजिए, ठीक है, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, गॉट इट, यस, गॉट इट, गॉट इट, 12th क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं भैया, चार वेक्टर दिया, फटाफट इनको एबीसीडी लिखो, एबीसीडी लिखो, एक को ए लिखो, जल्दी करो, जितना जल्दी कर सकते हो करो, चार वेक्टर दिया उनको एबीसीडी लिखो फटाफट, डू वेरी फास्ट, क्योंकि मेरा मन है सर। ए वेक्टर क्या दिया है बोलना, ए बी सी डी सबने लिख लिया, ए माइनस आई कर, बच्चों सबने लिख लिया, चलो बेटे, सर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, तो सर अगर ये 3 देखो बच्चों, ए बी सी डी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, लिख लिया सबने, ए का पोजीशन वेक्टर लिख लो वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी, और डी का पोजीशन वेक्टर, बच्चों ए बी साइड कैसे निकलेगी, ए बी साइड निकलेगी बी माइनस ए, कैसे निकलेगी, जल्दी से बी माइनस ए करो, जल्दी, क्या बात, इधर आप लिख रहे हो, सभी लोग लिखेंगे क्या, युवराज भाई, युवराज भाई कितना आया भाई बताओ, बी में से ए माइनस कर दो भाई, क्या नहीं आया तुझे, बी में से ए माइनस कर, इसमें से आई माइनस आई 2i बन जाएगा, इसमें से बाकी जीरो है, बाकी सब जीरो हो रहे हैं, तो बी माइनस ए कितना आ रहा है, 2i आ रहा है, 2i आ रहा है, और बी सी ये कितना आ रहा है, ए डी कितना आ रहा है भाई, AD और BC बराबर ही आएंगे वैसे तो, बताओ AD कितना आ रहा है, J cap आ रहा है वैसे तो, but area उसमें नहीं हो सकता ना, negative AD, AD बताओ कितना आया, minus J cap आ रहा है, minus half J. अच्छा तो AB cross AD निकालो, 2K cap, 2i cross J, माइनस को बिगनिंग में लगा दो, एंड आई क्रॉस जे कल मैंने बताया था, रिया बताएगी आई क्रॉस जे क्या होता है, जो मैंने पूछा वो बेटे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना होगा भाई, के के इक्वल होगा, रिया तू के कैप आ गया, और इसका मॉडुलस 2k का मॉडुलस, तो 2 माइनस 2 का तो हो गया 2, और k कैप का मॉडुलस होता है 1, तो 2 आ गया, इसका मॉडुलस ही आ गया, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हो गया, ठीक है, जी बात बंद कर, यस सर, आज जल्दी छोड़ दो, क्यों बिठा देते रहे, वैसे ही बात, सर 1 घंटा तो हो ही गया, बच्चो पहला एग्जाम्पल 26, नहीं सर एग्जाम्पल बोरिंग होते हैं, बच्चों ये कहता है राइट ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, राइट ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ध्यान से सुनना है कि लिखना क्या है बेटा, समझना तो जरूर है, आपकी आपकी मर्जी, देखो बच्चों
राइट ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में जो भी यूनिट वेक्टर हो सकते हैं वो आपको सब लिखने हैं, मतलब ये कि जैसे ये आपका प्लेन हो गया, ये कोई वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है वन यूनिट, तो आपको इसे बताना है कि क्या है ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी वन यूनिट है, तो आपको ये भी बताना है ये क्या है, ये कोई वेक्टर है ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वन बन रहा है, तो आपको ये भी बताना है, ये कोई वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है वन है, तो ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ठीक है, ये सब बताने हैं आपको। तो बच्चों हम रैंडमली एक वेक्टर अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भाई ये कोई वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये कोई कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसको हमने नाम दे दिया ओ पी, लेट ओ पी बी ए यूनिट वेक्टर, लेट ओ पी, ओ पी को ओ पी कहो या आर कह दो, क्या कह दो, आर नहीं सर, ओपी बड़ी बी, आर इज इक्वल टू व्हाट, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट भी मान लो, इसके कोऑर्डिनेट भी मान लो एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स आई कैप वाई जे कैप, बी ए यूनिट वेक्टर, बी ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, कैसा वेक्टर है ये, मान लिया कि आर वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, हमें ऐसे निकालना, अब अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहां डाल दे जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आ गया हमारा आंसर, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकाल के यहां डाल दें जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो आ जाएगा हमारा आंसर, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन क्या है कि आर यूनिट वेक्टर होना चाहिए, है ना। अब देखो बच्चों, इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, क्या मान लेता हूं थीटा, और मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, परपेंडिकुलर समझते हो ना, परपेंडिकुलर सीधी लाइन, सीधी लाइन परपेंडिकुलर, सो एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वहां से, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो बाहर की तरफ कर दिया, आप अपना अंदर की तरफ भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये पॉइंट एक्स वाई लेने का क्या मतलब है डोरमा दीदी, ये पॉइंट एक्स वाई होने का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग बेटा ये है कि ये ए पॉइंट है, तो ये एक्स डिस्टेंस है और ये ओपी डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, अर्णव भैया ठीक है। अच्छा आप सुनो, हमने क्या माना है कि ये आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या माना है कि आर यूनिट वेक्टर है, ऑल राइट, अगर भाई आर यूनिट वेक्टर माना है तो आर का मॉडुलस वन होना चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ आर, मॉडुलस ऑफ आर दैट इज व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन, क्योंकि हम मान के चले हैं कि यूनिट वेक्टर है, तो इट मस्ट बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। और वैसे हम देखें कि आर अगर यूनिट वेक्टर है तो ये जो ओपी डिस्टेंस है ना, ये वन होना चाहिए, ठीक है, ओपी डिस्टेंस ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ओपी डिस्टेंस ही मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, तो मतलब अगर हमने इसको यूनिट वेक्टर माना है तो ये ओपी डिस्टेंस वन होना चाहिए, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको हमने क्या मान लिया, ये हमारा वन है। अब इस ट्राइंगल को, जो एक खूबसूरत सी रंग बिरंगी ट्राइंगल आपकी आंखों के सामने बनी हुई है, कहते हैं कि दिमाग का एक हिस्सा कलर को ज्यादा पहचानता है और दूसरा हिस्सा कैलकुलेशन को, तो युवराज भाई अपन कौन से हिस्से में है, नाइस ठीक है। तो बच्चों याद रखने वाला, मेमोरी वाला जो होता है, मेमोरी तो दोनों में ही होती है ना, बाकी तो पता ही नहीं क्या होता है, चलो एनीवे देखो जरा, तो ये डिस्टेंस वन है बच्चों, अगर आप इसका यूज करें और इस ट्राइंगल से एक्स अपॉन ओपी निकालें, एक्स अपॉन ओपी तो कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। ट्राइंगल कौन सी यूज करी हमने, इन ट्राइंगल ओ ए पी एक्स अपॉन ओ पी कॉस थीटा के बराबर आएगा। अब मैं ज्यादा डिटेल में ना जाके आपको ये नहीं बताऊंगा कि कॉस थीटा क्यों आया, ठीक है,
वैसे क्लास टेंथ का आप नॉलेज यूज कीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, ठीक है। सो बच्चों ओपी, ओपी इज व्हाट, ओपी इज मोड आर, ओपी इज व्हाट मोड आर, ये ओपी कहो मोड आर कहो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहो, ऑल दीज आर वन। तो बच्चों इसको वन डालोगे तो एक्स आपका कितना आएगा कॉस थीटा, आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, चमका, ठीक है। चलो नाउ ऑल्सो y अपॉन op डिस्टेंस, y अपॉन व्हाट, y अपॉन op क्या होगा, sin थीटा, y अपॉन op होगा बच्चों sin थीटा, क्योंकि वो सिया दीदी ने बताया है, ठीक है। op को फिर से वन डाल देंगे तो y कितना आ गया sin थीटा, ऑलराइट बच्चों, ठीक है। चलो ये आ गया, अब बच्चों x और y की वैल्यू आ गई, तो इन x y की वैल्यू मैं कहाँ डाल देता हूँ, r वेक्टर में, x x के जगह मैंने डाल दिया cos थीटा ऑफ i प्लस sin थीटा ऑफ j, ठीक है। और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये यूनिट वेक्टर है इन x y प्लेन, थीटा जो मर्जी हो, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दिस इज यूनिट वेक्टर इन x y प्लेन वट एवर बी द थीटा। अगर ये यूनिट वेक्टर तो मुझे क्लेम करके भी दिखाना पड़ेगा। अब मैं मोड ऑफ आर दोबारा निकालूं तो देखो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यस, मैंने प्रूव कर दिया कि यूनिट वेक्टर है। अब बस मुझे एक चीज और बतानी है कि ये सारे वेक्टर्स को कवर करता है एक्स वाई प्लेन में, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेक्टर व्हिच इज यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, वो कैसे भाई, वो ऐसे, ये तो एक थीटा की एक वैल्यू ली मैंने, मान लो मैंने 30 डिग्री ले लिया थीटा को, तो ये एक वेक्टर बनेगा, 45 डिग्री ले लूंगा तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, 90 डिग्री ले लूंगा तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा, एंड सो। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये एंगल है थीटा और ये वेक्टर आ गया, बट थीटा तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, थीटा तो एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, थीटा कैन चेंज वैल्यू, थीटा कभी जीरो डिग्री भी होगा तो मेरा वेक्टर इस लाइन के ऊपर ही बन जाएगा इतना, थीटा वन डिग्री भी होगा तो मेरा वेक्टर इतना बन जाएगा, थीटा टू डिग्री भी होगा इतना बन जाएगा, थीटा थ्री डिग्री भी होगा इतना बनेगा, थीटा 45 भी होगा इतना बनेगा, और थीटा 90 भी होगा इतना बनेगा। थीटा कैन चेंज वैल्यू फ्रॉम जीरो टू 90, थीटा ने वैल्यू अगर जीरो से 90 तक ली तो मेरा वेक्टर ऐसे बनेगा, मतलब ये वेक्टर बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बहुत सारे वेक्टर बनेंगे, ठीक है। और जरूरी थोड़े थीटा 90 तक ही होगा, थीटा 90 से 180 के बीच में भी कहीं भी जाएगा, थीटा कैन चेंज वैल्यू, जैसे जैसे थीटा अपनी वैल्यू चेंज करेगा सारे वेक्टर इस प्लेन के आ जाएंगे, और थीटा वैल्यू चेंज करेगा तो इस प्लेन के सारे वेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे थीटा वैल्यू चेंज करेगा ये सारे वेक्टर आ जाएंगे, तो एज वैल्यू ऑफ थीटा, जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो से डिग्री के बीच में अगर वेरी करेगी, जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच में वेरी करेगी, दिस आर वेक्टर विल टेक विल कवर ऑल दीज यूनिट वेक्टर्स, राइट। एज थीटा टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री, इट गिव्स ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच में चेंज करवाता रहूं तो ये वेक्टर क्या होगा, जो मेरा अभी यूनिट वेक्टर है वो कोई और यूनिट वेक्टर है, फिर और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा, और आ जाएगा, और आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एज थीटा टेक्स वैल्यू, एज थीटा टेक्स वैल्यू वैल्यूज फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 टू 360 डिग्री, जैसे थीटा 0 से 360 के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेता रहेगा, आर गिव्स आर वेक्टर R gives या R will give all unit vector in x y plane, जैसे जैसे थीटा वैल्यू लेता रहेगा x y प्लेन के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वैक्टर आते रहेंगे, सिर्फ 90 से तो सिर्फ 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले आएंगे बेटा, तो x y प्लेन में चाहिए, x y प्लेन तो पूरा होता है, पूरा ये प्लेन x y प्लेन है, जिसमें दो डायमेंशन होते हैं वो सारा x y प्लेन है, ये पूरा ही x y प्लेन है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा डिफरेंट वैल्यू लेगा है ना, क्या आ जाएगी, आर की डिफरेंट वैल्यू आती रहेगी, और वो x y प्लेन में जो भी यूनिट वैक्टर हो सकता है वो सब आ जाएंगे, एक्स वाई जेड प्लेन होता तो वो फिर ऐसे घूमता ना, इसके बीच में ऐसे पता नहीं कैसे घूमता,
चक्री ठीक है सर उसमें भी ऐसी ग्रो करते हैं कौन से में हाँ उसमें भी करते थे यही उसमें तो जेड हो रहा जाता हाँ। तो थोड़ा यहाँ पर देख के थोड़ा सा कुछ यही करना था सब कुछ कुछ नहीं करना था बट एक्सपेयर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया था ठीक है फोटो लेके ग्रुप में डाल दिया तो या लिख लिया सबने स्क्रीनशॉट ले लो तो आ गया आपको लेना लो सर फोटो ले लो ग्रुप जो चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 27 नंबर में कह रहा है कि एक वेक्टर दिया है दूसरा भी दिया है तीसरा भी दिया है चार दिया है चार पोजीशन वेक्टर दिए है बच्चों दिस आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ और ए कितना दिया हुआ है बताना जरा i j k ये हमारा एग्जांपल नंबर 27 है मेरी बुक का नई पुरानी में नंबरिंग चेंज हो सकती है ठीक है बी वेक्टर कितना दिया है इस बी का पोजीशन वेक्टर मैं बी मान लेता हूँ तो बी कितना दिया है बच्चों 2i cap बोलो प्लस 5j ऐसे नहीं लिखना चाहिए था ऐसे मत लिखो एक ऐसे लिखो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है वेक्टर ए है ठीक है बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर बी है सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो सी है और डी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है डी है लेट ए बी सी डी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी समझ गए रिस्पेक्टिवली सो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है अभी तुम्हें बताओ जरा i plus j plus k ठीक है b वेक्टर कितना दिया हुआ है 2 और 5 2 i yes. plus 5j c वेक्टर कितना दिया है 3 2 minus 3 3 i cap minus 2j cap minus 3k cap minus 2j cap check करो भी plus 2 है क्या हाँ plus 2 है और d कितना दिया हुआ है 1 minus 6 और minus 1 i cap -6j cap हां -k cap -k cap yes और i cap पॉजिटिव है हां ये पॉजिटिव हो गई यहां पर क्या है -k cap a b c d ये दिया है क्या फाइंड करना है फाइंड द एंगल बिटवीन a b एंड c d डिड्यूस दैट इन दिस आर कॉलिंग द एंगल बिटवीन a b एंड c d वेरी सिंपल बच्चों ये हैं क्या एक्चुअली ए बी सी डी है क्या पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी वेक्टर पर चार पॉइंट दिए हैं वो चार पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं बच्चों ठीक है वो चार पॉइंट ए बी सी डी कैसे भी दिए हो सकते हैं कोई भी किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है बच्चों फाइंड द एंगल बिटवीन किसके बीच में फाइंड करना है देखो सर ए बी और सी डी ए बी और सी डी के बीच में वेर इज ए बी ए बी इज दिस ए बी इज दिस और सी डी का है भाई वो ए बी और सी डी के बीच में क्या बोल रहे हैं ए बी और सी डी के बीच में ये लिखा हुआ ए बी एंड सी डी दोनों फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी ओके भाई सी डी वेक्टर बच्चों सी डी वेक्टर ऐसे होगा और ए बी वेक्टर ऐसे होगा फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हमें पहले वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी तो बच्चों ए बी वेक्टर फाइंड करो मेरे कहने से आप ये ए बी वेक्टर फाइंड करो तो बच्चों ए बी वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सो व्हाट इज ए बी हेलो बताओ क्या होगा -1 -4 4j बी माइनस ए वेयर इज बी दिस माइनस दिस आई कैप दिस माइनस दिस 4j कैप प्लस k कैप माइनस k कैप हां एंड सी डी कितना होगा बच्चों सी डी के लिए क्या करोगे डी में से सी को माइनस करना है ध्यान रहे इस बात का डी में से सी को माइनस करना है ना yes. चलो डी में से सी माइनस करो डी में से सी माइनस किया 1 - 3 -2i cap दिस माइनस दैट -8j cap और दिस माइनस दैट +2k cap चेक करो एक बार मैंने ठीक निकाला है yes. अच्छा इन दोनों के बीच में वेक्टर एंगल फाइंड करना है बच्चों
दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे के साथ अपॉन दोनों के मॉडुलस का प्रोडक्ट, दोनों के मॉडुलस का प्रोडक्ट। ठीक है, पहले तो हम ए बी डॉट सी डी निकाल लेते हैं। अरे लग जा भाई, ठीक है। ए बी डॉट बोलो 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 कितना हो गया? अरे ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। ए बच्चे उसमें कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। इन दोनों के बीच जो कुछ आप यही है। ए बी डॉट सी डी बताओ, ए बी डॉट सी डी क्या आएगा? -2 -32 -2 -36 ए बी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है माइनस का 2, इस माइनस का 32 और माइनस का 2 कितना हो गया? -36 -30 बुक में चेक करो, -36 ही है क्या? ओके बच्चों, अच्छा ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 18। बी सी का मैग्नीट्यूड, सी डी का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 72। तो cos थीटा कितना हो गया अभी इनके बीच में एंगल? देखो जरा, a डॉट b मतलब ए बी डॉट सी डी, ए बी डॉट सी डी हमने निकाल रखा है ना, -36 अपॉन मॉड ऑफ ए बी कितना? अच्छा रूट 18 को क्या लिख सकते हो भाई? 3√2। और √72 को क्या लिख सकते हो? 6√2। तो नीचे कितना आएगा? 3√2 √2। तो ये आ गया -36 अपॉन 3 6 18 और 2 36 कितना आया बच्चों? -1। इसका क्या मतलब है यूवी भाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। cos थीटा -1 कब होता है? दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कहाँ पता लग रहा है बेटे? सर एक इस साइड है, एक इस साइड है, अगर आप दोनों लाइंस को ऐसे रखोगे 180 बनेगा। तो सर ने बनाया है, वो तो मैंने बनाया था, मैं इनको रेक्टेंगल बना देता तो क्या 90 हो जाता? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट -1 आया, कॉस इस -1 को मैं लिख सकता हूँ cos 180। क्या लिख सकता हूँ? cos 180। cos 180 -1 होता है, cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो थीटा आ गया 180, मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ए बी अगर हमारा क्या है, ए बी वेक्टर ऐसे है तो सी डी हमारा दूसरा वेक्टर क्या है? सी डी वेक्टर हमारा ऐसे है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर सी और डी दो दो कैसे आ गए? तो मैंने आपको बच्चों सिखाया है कि ये आपका सी डी वेक्टर है, ये आपका क्या है? सी डी वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपका क्या है? ए बी वेक्टर है। ठीक है, और इस बोर्ड की खास बात यही है, इस बोर्ड की अच्छी बात क्या है बच्चों? इस बोर्ड की अच्छी बात ये है कि भाई आप इसको ऐसे करो, ठीक है, हुआ क्या कुछ? नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो आप इसको ऐसे करो और इसको उठा के यहाँ ले आओ और इसको ऐसे लगा दो, क्योंकि वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं। तो हो गया ना इनके बीच में 180 एंगल। ठीक है, चलो आगे। ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट पढ़ ले, इसी जल्दी फोटो का अगले संपर्क करवाऊंगा अभी तो वो नहीं। 1.5 लाख रुपए लगा दिए, अब भी हैंग होगा तो होगा ही, क्या हो सकता है? फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद भी सर प्लीज डेट या पुणे दो बस। 29 क्वेश्चन बच्चों, जल्दी आ जाओ। 29 क्वेश्चन जल्दी से देखो, जितना जल्दी चुप करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बुक के हिसाब से, मेरी बुक के हिसाब से क्या है रीड आउट करना। 29 नहीं, 28 पे आओ। 28 पे, 28 में क्या दिया हुआ है? 28 में कहता है एबीसी आर थ्री वेक्टर्स,
जल्दी जल्दी बोलो, ए बी सी क्या कितने वेक्टर हैं? ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, मॉड ऑफ ए कितना, ध्यान दो फोटो खींच लेना बाद में लिख लेना, पहले समझ लो मॉड ऑफ ए कितना दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, मॉड बी कितना है, फोर दिया हुआ है, और क्या दिया है, मॉड सी, मॉड सी कितना दिया है, फाइव दिया हुआ है, और ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। देखो बच्चों इस बात का ये मतलब है, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, ठीक है, बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, एंड सी इज परपेंडिकुलर टू सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। ईच वेक्टर जैसे कि एक ए वेक्टर बाकी दो के सम के साथ क्या परपेंडिकुलर है, सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, एंड सी इज परपेंडिकुलर टू, कोई भी एक वेक्टर अगर हम देखते हैं तो बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है, करेक्ट। इसका इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए डॉट बी प्लस सी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्या होता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो ए परपेंडिकुलर है किसके, बी प्लस सी के, तो ए डॉट बी प्लस सी क्या होगा, जीरो। सिमिलरली बी डॉट सी प्लस ए क्या होगा बच्चों, ए प्लस सी या सी प्लस ए, एडिशन इज कम्यूटेटिव, और सी डॉट ए प्लस बी क्या होगा बच्चों, सी डॉट ए प्लस बी भी क्या होगा, जीरो होगा, करेक्ट, ध्यान दो। अच्छा अब ये क्या कहता है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना ए प्लस बी प्लस सी, फाइंड आपको ये करना है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का मोड फाइंड करना है, ठीक है। मैं मोड फाइंड नहीं कर रहा हूं, मैं इसका स्क्वेयर फाइंड कर रहा हूं, मोड का स्क्वेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों हमने ये पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट ए क्या होता है, मोड ए का स्क्वेयर होता है। अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए अपने खुद के साथ तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाता है, अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए खुद के साथ तो अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाता है। अब ये मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर है, क्या है ये, मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, तो इसको फाइंड किया जा सकता है किससे, ए डॉट ए से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डॉट किससे, ए प्लस बी प्लस सी डॉट से, राइट। किसी भी वेक्टर के मोड का स्क्वेयर क्या होगा, उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, इस पूरे के मोड का स्क्वेयर क्या होगा, इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट। एंड बड़े स्मार्टली हम इसको ओपन कर देंगे इस ब्रैकेट को, कैसे देखो जरा बच्चों, ये ए इस पूरे के साथ डॉट करेगा ना, yes, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा पूरे के साथ, तो हम क्या करेंगे देखो जरा, ए डॉट मैं थोड़ा ट्रिक से कर रहा हूं इसको, पूरा नहीं खोल रहा, ए डॉट ए, और फिर ये ए आगे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ए डॉट बी प्लस सी, तो लिखो ही ना जीरो, या पता ही है, हाँ है ना, सिया दीदी प्लस, अब ये बी बी डॉट बी पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो पहले तो आएगा बी डॉट ए, फिर आएगा बी डॉट बी, और फिर आएगा बी डॉट सी, तो बी जब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा उस टर्म को तो मैं लिख रहा हूँ बी डॉट बी, और बाकी इस ए प्लस सी के साथ भी बी का डॉट होगा ना, तो यहां पर आ गया बी डॉट, मैंने उसको इकट्ठा ही लिख दिया, बी का डॉट प्रोडक्ट किस किस के साथ रह गया था, सी और ए के साथ, ए प्लस सी इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि एडिशन में ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस में बच्चों ये सी डॉट प्रोडक्ट करेगा इन दोनों के साथ, पहले तो सी डॉट दिस, तो आएगा सी डॉट ए प्लस बी, सी डॉट ए प्लस बी, और उसके बाद सी अपने खुद के भाई के साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने, प्लस में सी डॉट सी डॉट सी, क्या गया ना, सी डॉट सी, देखो भी आएगा। अब ये दिया हुआ है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अच्छा ये क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर, क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर, और ये क्या है, जीरो जीरो, ये रहा है ना यहाँ पर, yes। अच्छा ये क्या है, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, और ये क्या है, देखो यहाँ पर है कहीं, ये रहा जीरो, और ये क्या है, जीरो, और सी डॉट क्या है, मॉड सी का स्क्वायर, दिस इज व्हाट, बताओ जरा,
मॉड ए बताओ, मॉड ए 9, मॉड बी 16 प्लस 25, जोड़ो 25, 25, 50 हो गए, ठीक है। तो a प्लस बी, ए प्लस बी मॉड प्लस सी, मॉड का स्क्वायर 25 आया था, 50 आया, तो ये कितना होगा, रूट 50, रूट 50 दैट इज 5 रूट 2, समझ आया, ये हमें फाइंड करना था। सी वन मोर क्वेश्चन था, फट सर सर आपने लास्ट बोला सर, टाइप पास ही 59 हो गए सर, हो गया सर प्लीज सर सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 25 में ये दिया हुआ है एबीसी सैटिस्फाइड है कंडीशन सर, सिर्फ क्वेश्चन ले लिखते नहीं, बाद में ले लेना, मैं अभी बैक कर दूंगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, सुन लो बस घर से लिख कर आना, ए प्लस बी प्लस सी बच्चों क्या दिया हुआ है, जीरो के कुल दिया हुआ है, ए प्लस बी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन बिल्कुल कर रहा भाई, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है। एंड म्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, म्यू दिया हुआ आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ई, ये आपको म्यू दिया है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी का मॉड आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। देखो जरा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है और म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है, उसमें भी क्या था, उसमें भी क्या था, क्या था मॉड स्क्वायर, क्या फाइंड करना था आपको, मॉड ए के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड फाइंड करना था, और यहां पर ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, इन दोनों ही केसेस में सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, चाहे आपको ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए टाइप की चीजें से फाइंड करनी हो या मॉड से रिलेटेड फाइंड करना हो, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड फाइंड करो, दोनों बार आप एक ही मेथड फॉलो करेंगे। जैसे कौन सा मेथड, कि मॉड का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जैसे ये है, ये जीरो दिया हुआ है ना आपको, अब आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, बी डॉट सी चाहिए, सी डॉट ए चाहिए, ये चाहिए, ये तो तब आएंगे तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ये तो तभी आएंगे ना, तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस बी प्लस सी आपको जीरो दिया हुआ है, तो आपको इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो खुद के साथ, क्या कर दो, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दो, खुद के साथ ही कर दो, डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ कर दिया, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो डॉट जीरो, ये वाला भी जीरो है, ये भी जीरो है, जीरो डॉट जीरो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, ब्रैकेट को ओपन कर दो, देखो देखो बच्चों, ए डॉट क्या क्या लिखोगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, इस ए को ए के साथ करोगे तो ए डॉट ए आएगा, ए डॉट ए आएगा, चलो पूरा ही कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, दो ही मिनट से बड़े बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं सारे के सारे, ऐसी क्या बात है, आराम से बैठ के पढ़ेंगे, कुछ मंगवाऊं खाने वाले के लिए, ए डॉट ए प्लस, अच्छा बच्चों यहाँ से निकालो, ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट बी, और आगे जब ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ, तो क्या आएगा, ए डॉट सी प्लस, अब बी को लो, इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी का किसके साथ करेंगे, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, समझ आया, बोलो आया कि नहीं आया, सी दीदी, अच्छा फिर सी को किसके साथ करेंगे भाई, इसके साथ, तो क्या आएगा, सी डॉट ए, ठीक है, प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब इन टर्म्स को देखो, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट ए बी डॉट बी, बी डॉट बी और सी डॉट सी, क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, तो दे आएगा क्या मुझे, 9, 16 कितना हो गया अभी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, कौन सी वाली टर्म है ये, ब्रैकेट वाली टर्म, जो मतलब इस पे मैंने बॉक्स बनाया, मॉड सी स्क्वायर, अच्छा बच्चों प्लस 12, अब अच्छा एक बात बताओ, ए डॉट बी, ए डॉट बी, दिस इज ए डॉट बी, दिस इज बी डॉट ए, एंड ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, फोन रखते साइड में, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, हो गया सर, तो वो बाद में निकल जाएगा, कौन फोटो लेने, ठीक है, अच्छा ए डॉट बी, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, क्या है ये, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और टू को भी मैं कॉमन ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि एक स्टेप और ना लिखना पड़े, अच्छा बच्चों ए डॉट सी, ए डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी हो जाएगा, टू ले लिया हमने, टू ले लिया हमने कॉमन,
तो ये बना सिर्फ ए डॉट सी, ए डॉट सी एंड एंड बी डॉट सी, बी डॉट सी और सी डॉट बी इक्वल होते हैं और टू ले लिया बाहर, तो ये कितना हो जाएगा बी डॉट सी, समझ आया? एंड दिस इज सर पूरा ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू जीरो. अब बच्चों इनकी वैल्यू हमारे पास है, बताओ कितनी है? 969. मॉड ए कितना दिया था? मॉड ए बताओ 342 है सर. 342 तो ये 3 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 9. मॉड बी 4 दिया है तो ये 16 हो गया. मॉड सी 2 दिया है तो 4 हो गया, प्लस में 2 ऑफ म्यू ए डॉट बी. अब मेरी बात सुनो, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, घर से करके लाओगे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इकट्ठे ले लेना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 30 वाला, हिंट दे रहा हूँ, घर से करके लेके आना. देखो समझ लो बस, क्या दिया हुआ है? अल्फा एक वेक्टर है और अल्फा वेक्टर कितना है बताओ? अल्फा वेक्टर कितना है? 3i - j. बोल गया ना चलाना बताओ जरा कितना दिया अभी? 3i - j. अल्फा वेक्टर कितना दिया है? इंट समझ लो बस. 3i - j. बीटा कितना दिया हुआ है? 2i + j -3k. और गामा कितना दिया हुआ है? दो ही वेक्टर. देखो बच्चों क्या करना है, ध्यान से समझो, शेयर दीदी ध्यान से समझो. अल्फा और बीटा दो वेक्टर दिए हुए हैं बच्चों. अब बीटा को एक्सप्रेस करना है दो वेक्टर्स के सम से. बीटा को क्या लिखना है? दो वेक्टर्स के सम से लिखना है, यानी कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 करके लिखना है, जिसमें एक वेक्टर क्या होना चाहिए? एक वेक्टर होना चाहिए पैरेलल टू अल्फा, एंड सेकेंड वेक्टर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू अल्फा. बीटा को दो वेक्टर्स के सम से लिखना है जिसमें एक वेक्टर पैरेलल टू अल्फा होना चाहिए और दूसरा परपेंडिकुलर टू अल्फा होना चाहिए. ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, बीटा 1 होना चाहिए पैरेलल टू अल्फा. बीटा 1 क्या होना चाहिए? पैरेलल टू अल्फा. जो वेक्टर अल्फा के पैरेलल होगा, जो वेक्टर अल्फा के पैरेलल होगा वो क्या होता है? लैम्डा इनटू अल्फा. लैम्डा इनटू अल्फा, लैम्डा इनटू अल्फा. तो लैम्डा इनटू अल्फा कितना आ गया? 3i - j. ठीक है बच्चों, ओपन करना चाहें तो ये बन जाएगा 3λ i - λ j. ये तो हो गया अल्फा. एंड बच्चों एक बात और सुनो, बीटा क्या है? बीटा इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 है कि नहीं है? Yes. अच्छा, यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? इस वाले रिलेशन से बीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी? बीटा माइनस बीटा 1 क्या आएगी? बीटा माइनस बीटा 1, करेक्ट. एंड ये जो बीटा 2 है ना, बीटा 2 हमें चाहिए परपेंडिकुलर टू अल्फा. बीटा 2 क्या चाहिए? परपेंडिकुलर टू अल्फा है ना, चाहिए ना? Yes. अच्छा, तो बीटा 2, पहले हम बीटा 2 को ही निकाल लेते हैं. बीटा 2 क्या है भाई? बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी? 2i + j - 3k. 2i - j - j माइनस बीटा 1, बीटा 1 लैम्डा आई सर, कसम से आपको पिछले अगली क्लास में दोबारा समझाना पड़ेगा. लिसन टू मी, ठीक है? देखो बीटा 2 की वैल्यू क्या है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, दोबारा देख के आएंगे सभी. सर मैं आपसे ही समझूंगा, मेरे को आपसे ज्यादा शो करेंगे. ठीक है, मैं अगली क्लास में 5 क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा. ठीक है, ठीक है. देखो बीटा की वैल्यू हमने डाल दी, बीटा 1 की वैल्यू डाल दी, थोड़ा सिंपलीफाई करो, 3 लैम्डा i कैप, थोड़ा सिंपलीफाई करो, 2 - 3 लैम्डा
3 lambda I cap. This is what? 1 plus में lambda j cap. Minus 3 k cap. lambda j cap. और यहाँ पर कितना? k तो है नहीं. Minus 3 k cap. Right? Beta 2 की value आ गई. बट बच्चों बीटा 2 तो क्या है? बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा. देखो ये रहा बीटा 2 क्या होना चाहिए अल्फा के परपेंडिकुलर. बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा. इट मींस बीटा 2 डॉट अल्फा क्या होना चाहिए? जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो. तो बीटा 2 डॉट अल्फा जीरो होना चाहिए. वेयर इज बीटा 2? दिस इज. इसका डॉट प्रोडक्ट करो, सीधा लिख देते हैं अल्फा के साथ. बीटा 2 का डॉट प्रोडक्ट करो अल्फा के साथ. देखो आई का कंपोनेंट यहाँ कितना है? 2 माइनस 3 लैम्डा. और यहाँ पर कितना है? 3 3 3. ठीक है भाई. अच्छा फिर यहाँ पर कितना है प्लस में? 1 प्लस लैम्डा इनटू माइनस 1 इनटू यहाँ पर कितना है? माइनस 1 प्लस 0 प्लस में यहाँ पर कितना है? माइनस 3 और वहाँ कितना है? 0. दिस इज इक्वल टू 0. इस 0 की वजह से बीटा 2 डॉट अल्फा इज 0. जब इस रिलेशन को आप एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू. बता भी लैम्डा कितना है? लैम्डा इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू हाफ. लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ. अब ये लैम्डा की वैल्यू हम बीटा 1 में डालेंगे. बीटा 1 कितना आएगा? 3 बाई 2 आई माइनस 1 बाई 2 जी. और ये ही वैल्यू हम बीटा 2 में डालेंगे. बीटा 2 कितना आएगा? देखो यहाँ से बोलो कहाँ डालोगे? ठीक है तो बीटा 2 डालोगे तो यहाँ से आपका बीटा 2 आ जाएगा. ठीक है और आप बीटा 1 प्लस बीटा 2 करके दिखाएंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका बीटा का इक्वल आना चाहिए. बस ठीक है. ये बस सर ये दोनों से डिफिकल्ट क्वेश्चन था और आपने एक मिनट में किराया नहीं समझ आ गया. ठीक है कर लेंगे सर. दो बैक इसको कंप्लीट करके लेके आएंगे सर. दो बैक करके फोटो भेज देना. ये आगे का कहाँ गया? अपडेट कर लिया मतलब? अरे सर आपके दोनों देर को भी कर दो वो दिखाऊं लाइक